हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वेक्टर डायोड की। तो वेक्टर डायोड क्या होता है? वेक्टर डायोड भी देखिए एक स्पेशल पर्पस डायोड है। इसको भी स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है किसी खास पर्पस के लिए, टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। तो अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहेंगे कि वेक्टर डायोड क्या होता है, तो वेक्टर डायोड सिंपली एक रिवर्स बायस पीएन डायोड होता है। ठीक है, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं कि वेक्टर डायोड क्या है, एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड है। और जो क्या करता है, ये रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड जो डिप्लीशन लेयर या जंक्शन के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वेक्टर डायोड इज ए रिवर्स बायस पीएन डायोड विच यूटिलाइजेस द इनहेरेंट कैपेसिटेंस ऑफ डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस डेवलप होता है उसको ये यूटिलाइज करता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि वेक्टर डायोड क्या होता है। वेक्टर डायोड एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है जो रिवर्स बायस में है और जो डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस होता है उसको यूटिलाइज करता है। इसलिए इस वेक्टर डायोड के कुछ और भी नाम है, जैसे इसको वेरीकैप डायोड भी बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसको वेरिकैप डायोड या वोल्ट कैप, ठीक है, या ट्यूनिंग डायोड भी कहा जाता है। किसको? वेक्टर डायोड को। अब देखिए, वेक्टर डायोड को सिंपली हमने आपसे क्या कहा कि ये रिवर्स बायस पीएन जंक्शन है। तो अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए इसका, तो सपोज कीजिए ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये एक हमारा पीएन जंक्शन डायोड हो गया और इसको हम रिवर्स बायस, यानी हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया इस तरह, बैटरी का पॉजिटिव ये है और निगेटिव ये है। ठीक, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर एक पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हम करेंगे तो जो डिप्लीशन लेयर है वो काफी वाइडन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये हो गया आपका डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका सिंबल हो गया किसका, वेक्टर डायोड का। अब इसमें क्या होता है कि डिप्लेशन लेयर के कई जो जंक्शन होता है, ये एक तरह से क्या काम करता है, ये काम करता है आपका डाइलेक्ट्रिक की तरह। ठीक, और ये जो पी टाइप है और ये जो एन टाइप है, ये कैपेसिटर की जो प्लेट होती है उनका काम करता है। ठीक, आपको मालूम है कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा होता है और उस डायलेक्ट और कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो प्लेट्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया, उनके बीच के डिस्टेंस और जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। तो ये आपका सिंबल हो गया, बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया वेक्टर डायोड का। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें कि कैपेसिटेंस और रिवर्स वोल्टेज के बीच में क्या करेक्टरिस्टिक होगी, तो सपोज कीजिए ये हमारा, इधर हम वोल्टेज दिखा रहे हैं और ये हो गया कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जो करेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ करेंगे, तो जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका कैपेसिटेंस डिक्रीज करता है। ठीक है, कि व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेस डिप्लीशन लेयर वाइडेंस, दिस इंक्रीजेस द डाइलेक्ट्रिक थिकनेस
और विच इन टर्न रिड्यूसेस द कैपेसिटेंस, यानी कि जब आप यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, तो जब आप इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा कि डिप्लेशन लेयर और आपकी वाइड होती जाएगी। जब डिप्लेशन लेयर वाइड होती जाएगी तो डाइलेक्ट्रिक की, ये जो आपने डाइलेक्ट्रिक मेंशन किया ना, इसकी थिकनेस ज्यादा हो जाएगी। इसकी थिकनेस ज्यादा होगी उसकी वजह से क्या होगा कि कैपेसिटेंस कम होता जाएगा। तो इसलिए जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक वर्किंग का, ठीक है। इसमें सिंपली क्या होता है कि वैरेक्टर डायोड के अंदर जो कैपेसिटेंस है, जो जंक्शन के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस है, वो हम दो चीजों से कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए ये कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये जैसे आपने कैपेसिटर का बेसिक पढ़ा है, कैपेसिटर का बेसिक में आपने क्या सी इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी ऐसे कुछ फॉर्मूला पढ़ा है ना। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल प्लेट्स, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती है उनका एरिया, और डी क्या है, उन दोनों प्लेट्स के बीच की, भाई ये अगर दो कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है ये डी होता है और इनका जो एरिया है ये ए है। तो ये जो डी है वो डी एक तरह से यहां पे है। तो वैरेक्टर डायोड में जो कैपेसिटेंस है उसको हम दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो हो गया कि इम्प्योरिटीज की कॉन्सेंट्रेशन से, इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन से, और दूसरा क्या है, ये डिप्लेशन लेयर की थिकनेस को अगर हम कम और ज्यादा कर पाए, किससे, अप्लाइड वोल्टेज से, ठीक। तो एक तो हो गया इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा हो गया थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन लेयर। ये दो तरीके हैं कैपेसिटेंस को कंट्रोल करने में। तो आप इसको कह सकते हैं कि इन ए वैरेक्टर डायोड द कैपेसिटेंस पैरामीटर्स आर कंट्रोल्ड बाय द मेथड ऑफ डोपिंग इन द डिप्लेशन लेयर और द साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द डायोड कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कंट्रोल। अच्छा, डोपिंग जो होती है, डोपिंग आपको मालूम है, डोपिंग क्या बोलते हैं, जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम पी टाइप या एन टाइप इंप्योरिटीज मिलाते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग भी दो तरह की होती है। एक तो ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये जंक्शन है और इस तरह, ठीक, इस तरह का मतलब क्या हुआ कि भाई ये आपका पी टाइप मटेरियल हो गया, ये आपका एन टाइप हो गया, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा डिप्लीशन लेयर है, यानी कि जंक्शन के इधर या इधर कांस्टेंट ये है, डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह की डोपिंग को बोलते हैं यूनिफॉर्म डोपिंग, ठीक है। जब डिप्लेशन लेयर की थिकनेस कांस्टेंट होती है, इस तरह की डोपिंग को बोलते हैं यूनिफॉर्म डोपिंग। और इस तरह के डोपिंग प्रोफाइल को आप लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एब्रप्ट डोपिंग प्रोफाइल, ठीक। और सेकेंड तरह की जो होती है, जिसमें कि जंक्शन के लेफ्ट साइड या राइट साइड आप जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने कहा ये जंक्शन है ऐसे ऐसे, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग, ठीक है। मतलब कि जो डिप्लेशन लेयर की थिकनेस है वो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे आप जंक्शन से आप दूर हो रहे हैं, बल्कि इसको आप ये दोनों इक्वली कर लीजिए, जंक्शन से आप दूर हो रहे हैं तो डिप्लेशन लेयर कम होती चली जा रही है उसकी थिकनेस, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग। और इस तरह के प्रोफाइल को बोलते हैं हाइपर एब्रप्ट प्रोफाइल, इसको आप चाहे लिख लें हाइपर एब्रप्ट प्रोफाइल, ठीक।
तो ये इस तरह की डोपिंग होती है वैरेक्टर डायोड में। अब उसके बाद कुछ और बेसिक चीजें हैं वैरेक्टर डायोड के रिगार्डिंग, क्या जैसे कि उसका सर वैरेक्टर डायोड का सिंबल क्या होता है, ठीक है, उसको हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं उसको दूसरी चीजों से, तो ये सारी चीजें अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि अच्छा वैरेक्टर डायोड, देखिए वैरेक्टर जो वर्ड है वो आपका एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है किसका, वेरिएबल कैपेसिटर डायोड का। वेरिएबल कैपेसिटर को ही उन्होंने मर्ज करके उसका नाम रखा है वैरेक्टर डायोड। ठीक, तो अब इसमें आप आ जाइए कि सर्किट सिंबल, तो देखिए सर्किट सिंबल जो है आपका वो वैरेक्टर डायोड का सिंपली, आप जैसे आप पीएन डायोड बनाते हैं, आप पीएन डायोड बनाइए, ठीक है, ये हो गया आपका पीएन डायोड, और यहां पे ये जो टर्मिनल है इसको आप यहां पे एक कैपेसिटर का सिंबल बना दीजिए। आपको मालूम है कि कैपेसिटर को हम इस तरह से भी दिखाते हैं, तो वेरिएबल कैपेसिटर को, तो ये हो गया सर्किट सिंबल ऑफ व्हाट, वैरेक्टर डायोड। ठीक, ये हो गया सिंबल ऑफ वैरेक्टर डायोड। अब इसके बाद इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ करेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट में क्या हो जाएगा, ये सिंपली आप एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए और एक यहां पे आपने ये वेरिएबल कैपेसिटर लगा दिया सीटी, और एक आपने रेजिस्टेंस लगा दिया आरएस। ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ऑफ वेरेक्टर डायोड। क्लियर, ये हो गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट। अब उसके बाद बात आप करेंगे कि वैरेक्टर डायोड का स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन क्या चीज होती है, मैं आपको पिछली कई वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की स्पेसिफिकेशन मतलब उसकी रेटिंग, मतलब कि जिससे वो डिवाइस वो कंपोनेंट आइडेंटिफाई हो। तो जब हम वैरेक्टर डायोड की बात करते हैं तो इसके स्पेसिफिकेशन में दो चीजें आती हैं, एक है आपका क्या द डायोड कैपेसिटेंस टेम्परेचर कोफिशियंट रेटिंग, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं द डायोड कैपेसिटेंस टेम्परेचर कोफिशियंट रेटिंग। एक तो ये चीज देखते हैं क्या वैरेक्टर डायोड के अंदर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप टी सी सी, ये ठीक है, ये करता क्या है सिंपली, ये दिस रेटिंग ऑफ ए वैरेक्टर डायोड प्रोवाइड्स द चार्ज इन द कंपोनेंट्स कैपेसिटेंस फॉर ईच 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या चीज डिफाइन करता है, मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि दिस रेटिंग ऑफ ए वैरेक्टर डायोड प्रोवाइड्स द चार्ज इन द कंपोनेंट कैपेसिटेंस सॉरी प्रोवाइड द चेंज इन द कंपोनेंट्स कैपेसिटेंस फॉर ईच 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अबाउट पर डिग्री सेंटीग्रेड जो राइज होगा किसमें, टेम्परेचर में, उसकी वजह से कैपेसिटेंस में जो चेंज आएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 25 डिग्री के ऊपर पर डिग्री राइज इन सेंटीग्रेड कैपेसिटेंस में वैरेक्टर डायोड के जो चेंज होगा उसको बोलते हैं द डायोड कैपेसिटेंस टेम्परेचर कोफिशियंट रेटिंग। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि कोई डायोड यूज हो रहा है किस पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लीजिए उसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेरेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका कैपेसिटेंस हो गया 20 माइक्रोफेरेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना चेंज हुआ, 5 डिग्री का। कैपेसिटेंस में कितना चेंज हुआ, 20 में से 10 गया 10 माइक्रोफेरेड का, तो 10 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज
माइक्रोफेरेड पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया आपका डायोड कैपेसिटेंस टेम्परेचर कोफिशियंट रेटिंग। तो इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा, ये हो गया पहला। दूसरा है डायोड कैपेसिटेंस रेटिंग, डायोड कैपेसिटेंस रेटिंग, इसको दिखाते हैं सीटी से ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है डायोड कैपेसिटेंस रेटिंग में, कि सिंपली दिस रेटिंग फॉर वैरेक्टर डायोड इज 26 to 32 पिको फेराड व्हेन वीआर इज 3 वोल्ट डीसी। डायोड के मतलब कि डायोड की कैपेसिटेंस, मतलब कि अगर आप रिवर्स वोल्टेज 3 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो जो डायोड का कैपेसिटेंस है वो आपका 26 से 32 पिको फेराड के बीच में होगा। इसको बोलते हैं डायोड कैपेसिटेंस की रेटिंग। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो क्या है, कैपेसिटेंस रेशियो सीआर। थर्ड है आपका कैपेसिटेंस रेशियो सीआर, ये क्या चीज होती है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि दिस रेटिंग गिव्स द वेरिएशन ऑफ द जंक्शन कैपेसिटेंस ओवर द गिवन रेंज ऑफ वोल्टेजेस। क्लियर। ये जो कैपेसिटेंस रेशियो है ये क्या शो करता है कि जंक्शन का कैपेसिटेंस किस हिसाब से चेंज हो रहा है अगर हम रिवर्स वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस रेशियो। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट है आपका फिगर ऑफ मेरिट। तो आपको मालूम है फिगर ऑफ मेरिट तो क्वालिटी को डिनोट करता है, फिगर ऑफ मेरिट क्यू, ठीक है। इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए जंक्शन कैपेसिटेंस, ठीक है। ये फिगर ऑफ मेरिट क्यू क्या है, दिस इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए जंक्शन कैपेसिटेंस। क्लियर। अब उसके बाद बात आती है, ये तो हो गया डायोड की स्पेसिफिकेशन की। उसके बाद एक क्वेश्चन ये रह जाता है या एक टॉपिक ये रह जाता है कि वैरेक्टर डायोड का एप्लीकेशन, वैरेक्टर डायोड कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो इसको आप चाहे तो आप लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड, एप्लीकेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड। तो जो सबसे ज्यादा इसका यूज है वैरेक्टर डायोड का, ए मेजर एप्लीकेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड इज इन द ट्यूनिंग सर्किट। वैरेक्टर डायोड का जो मेजर यूज है वो कहाँ पे है, ट्यूनिंग सर्किट पे। ट्यूनिंग सर्किट का मतलब क्या हुआ, जो सर्किट फ्रिक्वेंसी ट्यून करते हैं। तो अगर आप एक सिंपल इसकी आप एग्जाम्पल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें, तो मान लीजिए ये वोल्टेज हो गया, ये वैरेक्टर डायोड हो गया। अभी हमने आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था, उसके बाद हमने क्या किया कि ये दूसरा वैरेक्टर डायोड हो गया और ये यहां पे एक इंडक्टर हो गया, ठीक। दिस इज डी वन, दिस इज डायोड डी टू, इंडक्टर एल, रेजिस्टेंस आर एस, ठीक है। और यहां पे आप एक वी डी सी, यहां पे आप लिख सकते हैं वेरिएबल डी सी। देखिए ये एग्जाम्पल है वैरेक्टर डायोड यूज होता है कहां पे, ट्यूनिंग सर्किट में। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इट इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूनर इन रेडियो टेलीविजन एंड अदर कॉमर्शियल रिसीवर्स। और कैसे ये काम करता है, देखिए, व्हेन ए वैरेक्टर डायोड इज यूज इन अ ट्यूनिंग सर्किट इट अलाउज ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी
टू बी एडजस्टेड बाय ए वेरिएबल वोल्टेज लेवल, ठीक है। तो अब ये जो गिवन सर्किट में आपका दिया है डी वन और डी टू जो है दो वैरेक्टर डायोड हैं, तो दे प्रोवाइड द टोटल वेरिएबल कैपेसिटेंस इन ए पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, एंड वीसी क्या है आपका, ये वेरिएबल डीसी वोल्टेज है, और डी वन डी टू जो है ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में प्रोवाइड करते हैं वेरिएबल कैपेसिटेंस, ठीक है। और ये जो आपका वेरिएबल डीसी वोल्टेज है, आप ये देख रहे हैं कैपेसिटर डायोड के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यानी इन डायोड को रिवर्स बायस रखने में इस वेरिएबल डीसी का यूज हो रहा है। इसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो आएगी एफ जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी, ये इसकी रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वेयर एल इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड C इज द वैल्यू ऑफ टोटल कैपेसिटेंस। अब यहां पे देखिए एफ जीरो इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल सी, एल तो ये है, C क्या है, C तो कहीं दिख नहीं रहा, C इनके जंक्शन कैपेसिटेंस, यानी इसका जंक्शन कैपेसिटेंस हुआ C1, इसका हुआ C2, तो दोनों सीरीज में है, तो दो कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस डायोड का जो कैपेसिटेंस है C1, इसका जो कैपेसिटेंस है C2, क्योंकि ये वेरेक्टर डायोड है ना, और दोनों सीरीज में है तो इसलिए C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, इससे C की वैल्यू निकल आएगी और L की वैल्यू आपके पास है, इससे आप रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें सिंपली आप ये भी फाइनली कह सकते हैं कि द वेरेक्टर डायोड इज ऑल्सो यूज इन ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल डिवाइस, एडजस्टेबल बैंड पास फिल्टर एंड पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, यानी एक तरह से आपका जो एप्लीकेशन ऑफ वेरेक्टर डायोड हो गए वो आपके चार एप्लीकेशन हो गए, एक दो तीन और चार। पहला क्या, ट्यूनिंग सर्किट में, ट्यूनिंग सर्किट में। दूसरा ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल डिवाइस में। तीसरा एडजस्टेबल बैंड पास फिल्टर में। और चौथा पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में। सो दीज आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ वेरेक्टर डायोड। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसके कंटेंट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी आपकी क्वेरीज है, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। थैंक यू।